आप लोगों ने कुमार सर्वेश की बुक ले ली है क्या? ठीक है सर, किसी ने बुक ली है? स्टार्ट कर लीजिए सर। हाँ, कुमार सर्वेश की किसी ने बुक ली है क्या? ना, किसी के पास नहीं है वो कुमार सर्वेश की जो पतले वाली बुक थी। कल हम लोगों ने ब्रज से पहले तक का लगभग मोटा मोटी कवर कर लिया था। अब एक बार जब क्वेश्चन बुलेट का कलेक्शन आएगा तो हम लोग देख लेंगे ब्रज के पहले। आवाज आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। यस सर। ठीक, तो ब्रज के पहले जो है हम लोगों ने मोटा मोटी ब्रज के पहले हम लोगों ने मोटा मोटी कवर कर लिया था। हम लोगों ने जो है ब्रज के पहले का मोटा मोटी कवर कर लिया था। अब जो सर मेघराज सर, चलिए कोई थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो जाएगा जी सर। तो अब अरे नहीं, आपके तरफ आवाज आ रही थी बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ब्रज आज जो है हम लोग ब्रज से शुरू कर रहे हैं। ब्रज अवधि और हल्का फुल्का बुंदेली और खड़ी बोली और तकनीकी उपनीकी के बारे में कम से कम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। और मान लीजिए नए क्वेश्चन आते हैं, एक यूपीपीसीएस और यूपीएससी का पैटर्न बहुत अच्छा है। यदि पिछले साल पूछा है इन्होंने कि ब्रज भाषा की क्रियाओं की विशेषताएं बताइए, तो नेक्स्ट बार 100% या तो अवधि भाषा के क्रियाओं की विशेषता पूछेगा या ब्रज भाषा के ही क्रियाओं का विशेषता पूछेगा। ये कुछ ट्रेंड इसमें आपको लग जाएंगे, गेस हो जाएंगे कि क्रियाओं का विशेषता पूछा है तो नेक्स्ट ईयर भी क्रियाओं का विशेषता ही पूछेगा। तो आप लोग इस ट्रेंड पे जरूर फोकस कीजिएगा। आप लोग एक पीली कलर की जो मैंने बुकलेट बताया था सीएलपी पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर, उसको जरूर ले लीजिएगा और पढ़ते समय उसको अपने पास जरूर रखिएगा। तो हम चलते एक इसमें बहुत अच्छा पोर्शन आता है जो यूपीपीसीएस में है, यूपीएससी में नहीं है, शब्द संपदा। और शब्द संपदा यूपीपीसीएस में है, यूपीएससी में नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लिखते समय अगर क्वेश्चन के आंसर लिख रहे तो शब्द संपदा की बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे पाली और प्राकृतिक का हमें जरूरत पड़ा था यूपीएससी में भी। तो शब्द संपदा में जनरली लोग क्या करते हैं कि विकास सर के नोट में आपके पास चार प्रकार के शब्द संपदा दिए हुए हैं, निर्माण के आधार पर, स्रोत के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर और परिवर्तनशीलता प्रयोगशीलता के आधार पर। तो लोग चार यही प्रकार का सेम टू सेम उतार देते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ मार्क्स गेन करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन चार को तो लिखना है, स्रोत के आधार पे, निर्माण के आधार पे, प्रयोगशीलता के आधार पे, परिवर्तनीयता के आधार पे, चार तो लिखने ही है। साथ साथ आपको समाज से कौन सा शब्द संपदा बन रहा है और क्या बोलते हैं संधि से कौन सा शब्द संपदा बन रहा है उसको भी लिखना है। इसके अलावा कहीं कहीं आपको और नए प्रयोग से कौन से शब्द मिलकर बन रहे हैं, जैसे बहुत सारे शब्द हम नए पीढ़ी में जनरेट किए हैं, जैसे आजकल डिजिटल मीडिया से बहुत सारे शब्द के प्रयोग हो गए, उस शब्द में क्या कर एस्पायरेंटो जैसे लैंग्वेज हो गया या अदर लैंग्वेज हो गया, तो ये नए शब्द हैं। तो ये आप थोड़ा सा आधुनिकता दूसरों से अलग लिख देंगे तो आपको क्या होगा कि एक एक दो दो नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। और सब जो सामान्य बातें हैं वो तो हर स्टूडेंट वही से पढ़ता है जहां से
मतलब हर स्रोत का एक ही है विकास दिव्य कीर्ति सर के, हर स्रोत में ही पढ़ते हैं और उपयुक्त को कंपाइल्ड नोट है तो उससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना अपने पास से, बस यही करना है आपको, तो आपका शब्द संपदा हो जाता है। शब्द संपदा भी यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है, वो आपका 15 या 30 नंबर का शब्द संपदा आता ही है। और अब देखिए उसमें क्या होता है कि पिछली बार उन्होंने पूछ लिया था आई थिंक 19 के पेपर में कि तत्सम शब्द के उत्तरवर्ती युग में अधिकाय होने का मुख्य कारण क्या है, तो अधिकता से प्रयोग होने का मुख्य कारण क्या है तत्सम शब्द संपदा के। यहाँ पे क्वेश्चन पे आप जाइए, तत्सम शब्द संपदा के अधिकता या अधिकाय होने का मुख्य कारण उत्तरवर्ती युग में क्या है, तो पहला क्वेश्चन है तत्सम शब्द के बारे में, हमको शब्द संपदा के बारे में पूरे शब्द के बारे में नहीं बताना है, शब्द संपदा के हर सेक्शन के बारे में हमको नहीं बताना है, केवल हमको बताना है तत्सम शब्द संपदा और उत्तरवर्ती युग में मतलब आपका 1911 के बाद से कैसे उत्तरवर्ती युग में ये शब्द बढ़े, या मान लीजिए उधर उत्तरवर्ती युग दो माना, आधुनिक काल का उत्तरवर्ती युग 1911 के बाद माना जाता है और सामान्य रूप से उत्तरवर्ती युग 1100 ईस्वी के बाद से माना जाता है, जब पाली प्राकृति का प्रायः क्षरण हो रहा था और आगे अपभ्रंश हट आ रहा था, पुरानी हिंदी के कुछ अंश आ रहे थे, तब को उत्तरवर्ती युग माना जाता है। तो आपको बताना है पहले शब्द संपदा का हल्का फुल्का आपको परिभाषा देना है, उसके बाद से तत्सम शब्द के बारे में बताना है, उसके बाद से कुछ उत्तरवर्ती टाइम के बारे में विवेचना कर देनी है और लिख देना है, उसके बाद से आपको क्वेश्चन एड्रेस करना है, मतलब तीन बातें आपको पहले एक या दो पैराग्राफ में लिखना है, पहला शब्द संपदा क्या है, दूसरा शब्द संपदा में तत्सम शब्द संपदा किसके थ्रू बना है, क्या कहाँ पे दिखाई देता है, तत्सम का अर्थ क्या है, और तीसरा लाइन इसी में लिखना है कि उत्तरवर्ती काल क्या है। अब आपको जो प्रश्न है उसका जवाब लिखना है कि कैसे जो है तत्सम शब्द का उत्तरवर्ती युग में प्रयोग बढ़ा, तो उसके मुख्य मुख्य कारण क्या थे, तो आप लिख सकते हैं कि विदेशी शब्दों का संचार होना, संस्कृत के विद्वानों का पुनरागमन होना, उसके बाद से धर्मग्रंथों के तरफ से पुनः वापस जाना, पुनरुत्थान की बात, तो चार पांच अब बातें आप लिख सकते हैं। आप इसी प्रश्न को एड्रेस करते समय दो तीन लाइन एक्स्ट्रा लिखिए और डायरेक्ट प्रश्न को एड्रेस कीजिए, उसके इर्द गिर्द मत जाइए, प्रश्न को एड्रेस करते समय सिंपल लिख दीजिए कि निम्नलिखित कारण थे, जरूरी नहीं है कि पॉइंट में लिखिए, वैसे ग्रामर में पॉइंट चल जाते हैं लेकिन पैराग्राफ में लिखने पर और बेटर तरीके से आंसर आते हैं, तो आप टोटली कोशिश कीजिए कि टू द पॉइंट केवल प्रश्न को एड्रेस करें, इधर उधर जाने पे बहुत दिक्कत आती है, जनरली नंबर नहीं मिलते। अब जब कार्डो को आप एड्रेस कर लेते हैं तो लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन कीजिए, इसके बावजूद भी तद्भव देशज विदेशज बहुत हद तक बने रहे और उनको भी एक एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाइए और कंक्लूड कर लीजिए। एक बात जान जाइए कि किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको प्रश्न जो पूछा है वो तो एड्रेस करना ही है, ग्रामर हुआ, चाहे प्रवृत्तियां हुई, चाहे गद्य और पद्य खंड आप एड्रेस कर रहे हैं, तो आप उस प्रश्न का उत्तर तो लिखना ही है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा कि कबीर के सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में बताइए, तो आप जाति व्यवस्था, संप्रदाय व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, उसके बाद से क्या बोलते हैं आत्मा की बात, ब्रह्म की बात। अब एक बात और जान जाइए, कई बार लोग क्या करते हैं कि सामाजिक में जो है केवल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए होते हैं बातें उसी को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे धर्म हुआ, उसके बाद से संप्रदाय हुआ, उसके बाद से मान लीजिए कि यदि उन्होंने कुछ आडंबर पर चोट किया है उसके बारे में, तो ये सामाजिकता का इशू उसी को ऐड करते हैं, लेकिन
आपको सीरियस पढ़ने का फायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक पहलू है, आवाज नहीं आ रही है, किसी ने लिखा था अभी, तो आपको क्या करना है, जीएस का जो आर्थिक पहलू है, सामाजिक पहलू है और दूसरे अन्य पहलू, एथिकल पहलू, उनको भी आप सामाजिक में ही खींच कर ले जाइए, लेकिन उन पॉइंट्स को लास्ट में लिखिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपसे पूछ ले कि इनका हार्तेंदु जी की सामाजिक चेतना बताइए या नव जागरण की चेतना बताइए, तो सामाजिक चेतना में हम बहुत लिखेंगे तो लिखेंगे कि जाति डिमांड है, वो क्या करेगा कि आर्थिक पहलू की बातें लेते आएगी, जैसे गरीबी की बातें होती हैं, तो हार्तेंदु युग या उसके द्विवेदी युग में जो एक कविता है, पीठ उनके पेट से मिलकर हुए जो एक है, मानो मानो परस्पर लड़ने को हड्डियों में टेक है, तो ये जो है तो आर्थिक पहलू, लेकिन इसको सामाजिक पहलू में खींच कर लेते गए। अब हिंदी की बात भी आ जाती है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आ जाती है, तो भी राष्ट्रीय चेतना में आ जाती है। तो आप केवल एक ही पक्ष पर न रहिए पद के, आप गरीबी वाले पक्ष को, भाषा वाले पक्ष को, व्याकरण वाले पक्ष को, व्याकरण में भी मान लीजिए भाषा का इम्प्रूवमेंट होता है, भाषा अच्छा होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, उसको समझने में बहुत आसानी होगी, तो लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना जगेगी। तो आप हर पहलू को एक दूसरे से इंटर रिलेट कीजिए, तो आपके पास करीबन 5 या 6 पॉइंट हो जाएंगे। और एक बात और है, यदि आपने सभी कवियों या सभी रचनाओं को थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया है, तो कुछ नहीं है, तब भी आप तुलना करके भी अपनी चीजें जोड़ सक बना सकते हैं। तो आप इन 3-4 पहलू पे जरूर ध्यान दीजिए। पहली बात, अब लिख लीजिए आप लोग 2-3 पॉइंट किसी आंसर को लिखते समय क्या करना है, मोटा मोटी एक जो है डायरेक्ट जो आपके उत्तर मालूम है उसको लिखना है, पहला बिंदु, मतलब डायरेक्ट पॉइंट जो आपको मालूम है उसको लिखने हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष बिंदु को लिखना है। अप्रत्यक्ष बिंदु मतलब इनडायरेक्टली जो इंटरफेरेंस के थ्रू हम प्राप्त करते हैं, मान लीजिए हमको ए के बारे में जानकारी चाहिए, रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का हम लोग क्वेश्चन जब करते हैं तो ए के बारे में हमको पॉइंट चाहिए, लेकिन ए के बारे में कोई पॉइंट मालूम नहीं है, बी के बारे में मालूम है कि ए के बगल में बैठा हुआ है, या बी के बारे में मालूम है कि वो ए के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो बी से हम ए की जानकारी निकाल सकते हैं, तो ए हुआ अप्रत्यक्ष पॉइंट या इनडायरेक्ट पॉइंट। तो पहले बिंदु में हमको 4-5 डायरेक्ट बिंदु लिखने हैं, दूसरे में इनडायरेक्ट बिंदु लिखने हैं, और तीसरे में तुलनात्मक अध्ययन लिखना है, न बी के बारे में मालूम है न ए के बारे में मालूम है, लेकिन तीसरे के थ्रू मालूम है कि सी के बराबर कोई नहीं था उस सोसाइटी में, तो सी से तुलनात्मक बिंदु लिखना है, तो आपके पास अच्छे खासे बिंदु हो जाएंगे, वो आपको किसी भी प्रश्न को लिखते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 बिंदु आप यदि जान जाते हैं, किसी ग्रामर हो, चाहे प्रवृत्तियों वाले क्वेश्चन हो, चाहे मान लीजिए आपको भक्ति काल का कुछ बिंदु लिखना है, आपको भक्ति काल नहीं मालूम है लेकिन आपको आदि काल मालूम है, तो आदि काल के आधार पर लिख सकते हैं कि आदि काल में पूजा पाठ धर्म विशेष के प्रति ज्यादा रुझान नहीं था, भक्ति काल में रुझान था, तो आदि काल का 1-2 बिंदु लिखे कि वहां पे मतलब सुंदरता का जो प्रयोग था वो बल पे था, जाकी कन्या सुंदर देखी ताक पे जाय धरी तलवार, तो आपने आदिकाल के बारे में एक कविता लिख दिया, लेकिन भक्तिकाल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तब भी टीचर सोचे चलो तुलना तो करा दिया बच्चे ने, तो एक नंबर दे देगा, एक उस समय के लिए जब आपके पास कुछ नहीं है तब, तो आपको 3 प्रश्नों में ही 3 चीज लिखने हैं, प्रत्यक्ष बिंदु, अप्रत्यक्ष बिंदु और तुलनात्मक बिंदु। अब आ जाइए हम लोग अपने जो मूल बातें पूरी करनी थी उस पर पहुंचते हैं। आपका शब्द संपदा वाला भी क्वेश्चन हो गया, जो पेट क्वेश्चन है 15 से 30 नंबर का आता है। अब आ जाइए ब्रज के क्वेश्चन, ब्रज और अवधि पे इन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन आया पड़ा है कि ब्रज की क्रियाओं का उदाहरण सहित परिचय दीजिए,
ब्रज की क्रियाओं का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। तो एक बात जान जाइए, जहां पे आपको मौका मिला अपनी कुछ इनोवेशन दिखाने के लिए, वहां पर छोड़िए मत। जैसे ब्रज की क्रियाओं का उदाहरण सहित परिचय दीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, टोटल 2 पेजेस के लिए रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ब्रज की क्रियाओं का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। तो सबसे पहले ब्रज के बारे में आपको कुछ लिखना है, उसके बाद से उसके क्रियाओं के बारे में बताना है और उदाहरण इंक्लूड करके। तो टोटल 2 क्वेश्चन आपको देखना है, एक ब्रज, दूसरा उसकी क्रियाओं की बात करते हुए, तीसरा उदाहरण की बात करनी है। तो सबसे पहले ब्रज की बात आती है, तो ब्रज में 2 बातों से शुरू कर सकते हैं। एक तो शुरू कर सकते हैं कि ब्रज जो है मध्यकालीन युग में यूज हुआ है। दूसरा, या तो आपके पास हर कोई यही शुरू करेगा कि ब्रज जो है मध्यकालीन युग में हुआ था, इसके इसके एक एक कवि थे आपके पास। कल मैंने जो बताया था वो गोल्डन चांस है, आप जो है तुरंत उसके क्षेत्र की बात कीजिए या थोड़ा सा परिचय देते हुए कि ब्रज में जो है सूर और दूसरे कवियों भारतेंदु तुंडु जी का परिचय देते हुए तुरंत क्षेत्र को बांट लीजिए। आपके पास एक ही पैराग्राफ में उनके उनको बताने के लिए बहुत कुछ हो गया। उसके बाद से आइए, ब्रज के इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरे में क्रियाओं का उदाहरण। अब ब्रज की क्रियाओं पे आ जाइए तुरंत ही। क्रियाओं में सिंपल भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तो तीनों क्रियाओं को आप बांट लीजिए और तीनों क्रियाओं में एग्जाम्पल सहित आप लिखिए। अब एग्जाम्पल कहां से याद करें, ये सबसे बड़ी सूरदास की कविताएं पढ़ लीजिए, उर्मे माखन चोर गड़ो, अब कैसत तो निकसत नाही, निकसत नाही। अब देखिए निकसत, निकसत नाही, अब निकलते नहीं है। उर्मे माखन चोर गड़ो, अब कैसा हूं निकसत नाही, अब यहां निकसत मतलब कहीं ना कहीं वो वर्तमान काल की बातें की जा रही है इस कविता में। तो वर्तमान काल में त का प्रयोग होता है, समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत इसमें? तो ऐसे ही आप लोग कविताएं याद रखिए, 2-3 कविताएं याद रखेंगे, 2-3 कविताएं अपने आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी प्रकार की रटिफिकेशन या रटने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल भी आपके तैयार हो जाएंगे और साथ साथ आपको वर्तमान की बातें, भूत की बातें, ये सब बातें याद हो जाएगी। जैसे तुम भी बहुत दिखारी गईया, तुम भी बहुत दुखारी गईया, तो यहाँ पे क्या है कि इसके आगे वाले पंक्ति करेंगे आप तो यहाँ पे भूतकाल की बातें आ जाएंगी, क्योंकि गोपिया जो कह रही है उद्धव से, तो भूतकाल में इन्होंने उद्धव से कहने के लिए, तो आपको भूतकाल के कुछ शब्द थौ यौ शब्द मालूम चल जाएगा। और जब भविष्यकाल की आप बातें, भविष्यकाल की कोई कविता पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ही आदि शब्द मिल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपको क्रियाओं के बारे में भी स्पष्ट जानकारी मिल गई। तो आप लोग पहले पहचानना जानिए, देखिए हर कोई उसी सोर्स से पढ़ता, मैं आपको शुरू से पढ़ा दूंगा, हर चीज सिस्टमेटिक पढ़ा दूंगा, उससे बहुत सुधार नहीं आने वाला है। बस आप लोग जानिए कि कैसे आपके पास मैटर है जितना, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उपयोग करके नंबर गेन किए जा सके, ये सबसे जरूरी है। अब आ जाइए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, ब्रज की बातें भी होगी, क्रियाओं की बातें भी होगी और उदाहरण भी मैंने बता दिया कि वही आपको सूर को पकड़ना है, भारतेंदु को पकड़ना है, भारतेंदु की एक दो कविताएं, अंधाधुन मचियो शब्देशा, मानो राजा रहत विदेशा, अंधाधुन मचियो शब्देशा, शब्देशों में अंधाधुन मतलब मचा हुआ, भाग दौड़ मचा हुआ है, जैसे मानो राजा रहत विदेशा। तो रहत यहाँ पर भी वर्तमान काल में तो का यूज हो रहा है। तो ये सब चीजें आप कविताओं से इसकी प्रवृत्तियों को निकालना सीखिए, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो सामान्य हिंदी की बातें हो, चाहे वो अवधि की बातें हो, चाहे वो ब्रज की बातें हो। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल से ही आपको प्रवृत्तियां निकल के चली जाएगी। अब आ जाइए आप, एक और क्वेश्चन है इसमें 15 में ही, मध्य काल में
अवधि का साहित्यिक विकास राष्ट्रव्यापी और बहुआयामी था। इस कथन के औचित्य का सतर्क विवेचन कीजिए। अब यही क्वेश्चन ब्रज में भी कल का पूछ सकता है कि मध्यकाल में ब्रज का साहित्यिक विकास राष्ट्रव्यापी और बहुआयामी था, तब देखिए कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। मान लीजिए अवधि हुआ या ब्रज हुआ, तो कोई एक दो पॉइंट सोचिए, बताए एक दो पॉइंट बताए, आप लोग सोचिए। ब्रज मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक विकास राष्ट्रव्यापी और आयामी है, इसको बताना है। कोई एक दो पॉइंट बताए कैसे अप्रोच करेंगे, कोई कोशिश करें। चलिए मैं कुछ बताता हूँ। इस मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक विकास राष्ट्रव्यापी और बहुआयामी था। पहले ऐसा काम किया कीजिए, जब पेपर आपको एग्जाम या कहीं क्वेश्चन मालूम करे तो उसमें सोचिए एक या दो सेकंड या 30 सेकंड 25 सेकंड के लिए, भाई इसमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला है कि मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक विकास राष्ट्रव्यापी और आयामी था, तो अवधि के बारे में लिखना है थोड़ी सी, या तो क्षेत्र के बारे में लिख लीजिए, या तो थोड़े बहुत कवि इंक्लूड कर दीजिए और एक दो रचनाएं लिख लीजिए, और जिसमें तीनों रहेगा कि क्षेत्र के बारे में, कवि एक दो और रचनाएं, इसके लिए दो लाइन आपको लगेंगे, वो सबसे बेस्ट। उसके बाद से साहित्यिक विकास दिखा दीजिए अवधि का, कुछ अवधि का कुछ साहित्यिक विकास, जैसे मान लीजिए आप तुलसी की बात कर देते हैं, उसके बाद जायसी की बात कर देते हैं, नाभादास की बात कर देते हैं, उसके बाद से दो तीन कवियों की और बात कर देते हैं उनकी रचनाओं के साथ साथ। तो पहला में इंट्रोडक्शन हुआ पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में इनके साहित्यिक विकास की बातें हो गई। 1354 प्रद्युम्न दास से लेके अभी तक जो है जितने हल्का फुल्का सूफी साहित्य, आधुनिक काल के साहित्य, अवधि साहित्य, उसके बाद से क्या बोलते हैं कि राम धारा की साहित्य, ये बातें लिख देते तो साहित्यिक विकास की बातें होगी। अब राष्ट्रव्यापी और बहुआयामी, ये क्वेश्चन एक्चुअली एड्रेस करना है, राष्ट्रव्यापी और बहुआयामी। तो राष्ट्रव्यापी में आप सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर लीजिए कि पूरा हिंदी का गढ़ जो था वो उत्तर भारत तक विद्यमान था, और उत्तर पूरे उत्तर भारत में जो है